हम आप सोए नहीं अभी तक? हाँ, पापा को बहुत मिस करती हैं। आप सोए नहीं अभी तक? जी, वो बस ऑफिस का काम कर रहा। पापा के साथ आप बहुत खुश थी ना? बहुत ख्याल रखते थे मेरा, बल्कि हम दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत करते थे। और मेरा ख्याल है ये सब इसी वजह से था कि हमारा रिश्ता हमारे घर वालों ने तय किया था। वालिदैन अपनी औलाद के लिए हमेशा बेहतर ही सोचते हैं। मामा, आप मुझे थोड़ी परेशान लग रही हैं। आप अपनी प्रॉब्लम्स, अपने इश्यूज हमसे शेयर क्यों नहीं करते? आखिरकार अब हम बड़े हो गए। हाँ, मुझे अंदाजा हो रहा है कि मेरा बेटा बहुत बड़ा हो गया, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे कोई दुख कोई परेशानी नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ। तुम्हारे बाबा की यादें, उनकी बातें हर वक्त मेरे साथ रहती हैं। मैं खुद को अकेला महसूस नहीं करती बिल्कुल भी। अच्छा, एक काम करो, मुझे अयास का नंबर मिला कर दो। मैं ज़रा उनसे पूछूँ तो सही कि क्या प्लान है, कब आ रहे हैं, तैयारी कंप्लीट हो गई या नहीं। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों पूरे 5 मिनट लेट हैं। चलिए नाश्ता शुरू करें। कल आपके अयाज चचा और उनकी फैमिली यहाँ रहने आ रहे हैं। जी मामा, मेरी बात हुई थी उनसे। आपको ही जाना है उन्हें एयरपोर्ट पिक करने। मैं शाहजेब को भेज तो दूं, लेकिन आपको पता है ना, फिर मुझे टेंशन रहेगी। कैसे काम होते हैं शाहजेब के? आप फिक्र ना करें मामा, मैं चला जाऊंगा। आप फोन करके उनकी फ्लाइट कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है मामा, आप फिक्र ना करें, मैं चाचू को फोन करके उनसे मालूम कर लूंगा। ये बैंक स्टेटमेंट और इनवॉइस है, आप देख लें फिर प्रोसेस करवा देंगे। आज कुछ स्पेशल है क्या? हाँ यार, वो एक मीटिंग है, वहां जाना है। ओह, कोई बात नहीं, मैं रिक्शा या टैक्सी से चली जाऊंगी। एमी, मैंने ये कब कहा? तुम एक तो मेरी बात कभी भी समझने की कोशिश मत करना। मैं इतना बिजी कभी नहीं हो सकता कि अपने कामों की वजह से तुम्हें इग्नोर करूं। और मेरे साथ इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। आपको भी मेरे साथ इतना रोमांटिक होने की कोई जरूरत नहीं। एक तो तुम भी ना सारे रोमांस का कतरा कर देते हो हमेशा। बहुत ही वो लड़की हो तुम। जैसी भी हूँ आपकी। यास्मीन, आप प्लीज आज सारी तैयारी कर लें। जी बाजी। और हाँ, खाना बहुत लजीज होना चाहिए। अयाज और उनकी वाइफ बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ उन्हें कोई शिकायत ना हो। हर चीज का बहुत ख्याल रखना है आपने। जी बाजी, आप फिक्र नहीं करें, खाना मैं बहुत मजे का बनाऊंगी। और हाँ, रूम प्लीज चेक करवा लीजिएगा। सफाई मैंने करवा दी है मासी से, खुद खड़े होकर करवाई है, लेकिन आपको पता है ना, डंडी मार जाती है वो। जी जी, मैं जरा ड्रॉइंग रूम चेक कर लेती हूँ। रियली? मुझे तो पता ही नहीं था। वैसे कब मिल रहे हैं आप मुझसे?
मैं हूँ ही ऐसी, जो भी मुझसे मिलता है यही कहता है। ओके बाय, टेक केयर। किससे बात कर रही थी? एक्चुअली मेरे कजन की कॉल थी, एयरफोर्स में होता है, उसी से बात कर रही थी। ओ एयरफोर्स में? हाँ, मेरे तो खानदान के आधे से ज्यादा लोग एयरफोर्स में। लेकिन तुम्हारे पापा का तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था। हाँ, एक्चुअली मेरे पापा की ख्वाहिश थी कि मैं एयरफोर्स ज्वाइन करूँ, लेकिन यार मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, उन्होंने तो मेरी एडमिशन की भी बात कर ली थी। यार मुझे बहुत शौक है एयरफोर्स ज्वाइन करने का, लेकिन तुम्हारी जगह मैं होती तो ये चांस कभी मिस नहीं करती। बाप, ये तो नए किराएदारों की लड़की है। क्या नाम है इसकी माँ का? हाँ, ये है किस लौंडे के साथ? हमारे मोहल्ले की लड़की को इतनी बड़ी गाड़ी छोड़ने आई, परेशानी तो बनती है ना रशीद। बस देख बात संभालने की जैसी है ना, वो शुरू आ गई है। हाय हाय, कहाँ से आ रही हो? जी मैंने पूछा वो बड़ी गाड़ी वाला कौन था। आप कौन होती है ये पूछने वाली? आपको क्या मतलब है इससे? तुम इस मोहल्ले में नहीं आई हो और मुझे पूरा मोहल्ला जानता है, समझी? बीबी ये शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ ये सब कुछ चलने वाला नहीं है। कहना क्या चाहती हैं आप, मतलब क्या है आपका? मतलब तो साफ है, तुम ये जो करती फिर रही हो ना, ये यहाँ नहीं होने का। अगर यहाँ रहना है तो हमारे तरीके से रहो, वरना अपना बोरिया बिस्तर गोल करो। देखें अपना मुंह संभाल के बात करें, वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप मुझसे उम्र में बड़ी हैं। ए लड़की अपनी हद में रहो, तुम क्या समझती हो कि हमारे मोहल्ले में कुछ भी करती फिरो और हम कुछ भी ना कहे तुम्हें? आपको हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखे, समझी? ए लड़की अपनी हद में रहो। क्या हो रहा है, क्या मसला हो गया है? मसला तो तुम अपनी बेटी से पूछो, अभी किसी के साथ गाड़ी में आई है और मैंने पूछ लिया तो इसने तो आफत ही मचा दी। एमन तुम अंदर जाओ बेटा। अगर अम्मी तुम अंदर चलो, मैं बाद में बात करती हूँ। चलो शाबिश। तुम लोग क्या कर रहे, तमाशा क्या देख रहे हो? चलो यहाँ से। आप तुम गलत समझ रही हो, ये लोग तो बड़े अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं ये तो। रशीद तुम तो चुप ही रहो, तुम तो अपनी तरह सबको नेक और शरीफ समझते हो। बेटी का मामला है इसलिए बता रही हूँ, अगर इसकी जगह मेरी बेटी भी होती ना। देखिए बीबी आपको कोई गलत फहमी हुई है, मेरी बच्ची इस तरह की नहीं है। देखो हम भी आंखें और कान रखते हैं, मैंने खुद उसे गाड़ी से आते हुए देखा है। आप तो बहुत शरीफ खातून लगती है और हम भी बहू बेटियों वाले है, इस तरह नहीं चलेगा हमारे मोहल्ले में। पापा तुम जाओ, मैं बात करता हूँ, नहीं समझाता हूँ लोगों को, तुम जाओ। देखिए आप हमें गलत मत समझना, आप मुझे एक जिम्मेदार माँ लगती हैं, मामले की नजाकत को समझ सकती हैं। नहीं मुझे आपसे तो कोई शिकायत नहीं। इस मोहल्ले में ना बड़े अजीबो गरीब लोग रहते हैं, छोटी सी बात का पतंगड़ बना लेते हैं, और औरतें उनको तो मौका चाहिए, इज्जत उछाल लेगा लोगों की। तौबा 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 तौबा, ऐसी इज्जत उछालते ना कि बंदा कान पकड़ लेता है। देखिए मैं नहीं चाहता कि आप माँ बेटी पे कोई उंगली भी उठाए, मेरे हिसाब से ना आप लोग बहुत अच्छे और शरीफ लोग हो। आप तो हम पेहसान पेहसान करते जा रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। ये जो अभी सब कुछ बाहर हुआ ये क्या तमाशा था? कहाँ से आ रही हो तुम?
ऑफिस से आ रही हूँ अम्मी, आपको बताया तो था। वो तो मुझे पता है, लेकिन मुझे बताओ तुम किसके साथ आ रही हो? तुम्हारी इस हरकत की वजह से मुझे क्या क्या बातें सुननी पड़ी, कुछ अंदाजा है तुम्हें? जानती हो ना कि नया मोहल्ला है, लोग पता नहीं क्या सोचते होंगे हमारे बारे में। अम्मी वो सवारी नहीं थी तो मेरे बॉस ने कहा कि वो मुझे ड्रॉप। एमन, मैं सिर्फ सच सुनना चाहती हूँ, सिर्फ सच। मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे एमन। अम्मी वो मैं आपको खुद ही बताने वाली थी। एक्चुअली अयान सिर्फ मेरे बॉस ही नहीं है, वो मुझे पसंद भी करते हैं। फ्लाइट तो अच्छी रही? फ्लाइट हाँ बहुत लंबी थी, इसलिए बहुत थकन हो गई है। ऑब्वियसली इतनी लंबी फ्लाइट। मामा मैं जरा फ्रेश होके आ जाऊं। मुझे बहुत खुशी हुई वैसे कि आपने यहाँ सेटल होने का फैसला किया। मैं तो हमेशा से यही चाहती थी, लेकिन भाभी ये यहाँ सेटल होने के लिए तैयार ही नहीं थे। लेकिन जब आपने अयान के लिए उरूज का हाथ मांगा तो बस मैंने सोच लिया कि अब इनको राजी करके मुझे यहाँ लेकर आना है। बहुत अच्छा किया भाभी, आपने बात ही ऐसी कर दी थी कि हमें यहाँ आना ही पड़ा। इसका मतलब है कि मुझे यह फैसला पहले ही कर लेना चाहिए था। मैं तो हमेशा से यही चाहती थी कि हमारे रिश्ते गहरे और मजबूत हो जाएं। आपके भाईजान भी हमेशा यही चाहते थे। जी भाभी, भाईजान हमेशा यही चाहते थे कि मैं पाकिस्तान में रहूं, उनके सामने उनके पास। फिर भी आपने कभी उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं की। वैसे मुझे बड़ी हैरत है कि आप अपने भाई से इतना प्यार करते थे फिर भी कभी पाकिस्तान नहीं आए, क्यों? बस भाभी वो ऐसे चक्रों में फंसा कि मैं फंसता ही चला गया। चले खैर छोड़े, मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गई। आप लोग थके हुए आए हैं, फ्रेश हो जाएं, रेस्ट करें, बातें फिर होती रहेंगी। जी ताईजान, वैसे तो अब हम सबको यहीं पर रहना है, बस थोड़ी सी पापा पे नजर रखनी पड़ेगी, कहीं ये दोबारा फ्लाई ना कर जाएं। मैंने आप लोगों के लिए रूम सेट करवा दिए, फिर भी अगर कोई कमी लगे तो सही करवा दूंगी। आपका बहुत शुक्रिया भाभी, वैसे आपको इतनी जहमत हुई। ये जहमत नहीं, मोहब्बत है सानिया, जो कि सिर्फ अपनों के लिए होती है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और ये सब तो मुझे अब बता रही, जब बात इतनी बढ़ चुकी है। ये सारा कारनामा ना उस आदमी का है, कोई काम वाम है नहीं उसके पास, बस गली में खड़े होकर लोगों के घरों में ताकर झांकी करनी आती है उसे। रशीद पे या किसी और पे इल्जाम लगाने की कोई जरूरत नहीं। मुझे तो शुक्र गुजार होना चाहिए इन लोगों का कि जिनकी वजह से मुझे कुछ पता तो चला, वरना मेरी बेटी ने तो कुछ बताने की जहमत ही नहीं की थी मुझे। नहीं ऐसा मत कहिए प्लीज, मैं मानती हूँ गलती मेरी है, मुझे आपको ये सब कुछ बता देना चाहिए था, बस मैं मुनासिब वक्त का इंतजार कर रही थी। हाँ वो मुनासिब वक्त ना जाने कब आता। क्या तुम्हें यकीन है कि अयान तुम्हें पसंद करता है? मेरा मतलब है बेटा, कहीं वो खाली वक्त ना गुजारना चाहता हो तुम्हारे साथ। तुम नहीं जानती हो बेटा, इन अमीर घर के लड़कों का कोई भरोसा नहीं होता, कब किस मोड़ पर छोड़ जाए पता ही नहीं चलता। मैं जानती हूँ अम्मी, मगर अयान ऐसे नहीं है,
वो बहुत अच्छे, बहुत सुलझे हुए, बहुत समझदार हैं, और सबसे बड़ी बात वो मुझसे सिंसेयर हैं। ईमान बेटा, तुम बहुत मासूम हो, सादा हो। ये दुनिया बहुत जालिम है, खुदगर्ज है, तुम नहीं जानती। तुमने अभी देखा ही क्या है? अब अम्मी मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? वो मुझे अपनाना चाहते हैं। अच्छा, और इस बात की क्या गारंटी है कि वो तुम्हें अपनाने के बाद सारी उम्र साथ भी निभाएगा? अच्छा ठीक है, तुम आयान से कहो कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ, कम से कम मैं उसे देख तो लूं। रियली अम्मी? वो जरूर आएंगे, मैं उन्हें कह दूंगी। मुझे यकीन है वो आपको बहुत पसंद आएंगे। I'm so sorry, मैं actually काम में बहुत मसरूफ था, इसलिए मैं मिलने का टाइम नहीं मिला आपसे। It's okay. आप सोई नहीं अभी तक? लेट सोती हैं आप। पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही थी, इसलिए यहाँ आ गई। हाँ, वो actually नई जगह है ना, तो आपको एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। अब तो सारी लाइफ यहाँ रहना है, एडजस्ट तो करना पड़ेगा। अच्छा, आप काफी थकी भी होंगी तो आपको रेस्ट करना चाहिए। मैं भी थका हूँ तो भी जाकर रेस्ट करता हूँ। अपना ख्याल रखें। ओके। है तो काफी गुड लुकिंग। ये लड़की अभी तक नहीं उठी, कहा भी था कि सुबह जल्दी उठ जाना। उरूज, उरूज, उठो बेटा। मामा, सोने दे, क्यों तंग कर रही हैं? वेक अप बेटा, आपको कितना समझाया था कि सुबह जल्दी उठ जाना। अंजुम भाभी की दिल में जगह करनी, और ये इतना आसान नहीं। मामा, क्या ये सब कुछ करना जरूरी है? इतनी अच्छी नींद आ रही थी। हाँ मेरी जान, बहुत जरूरी है। अंजुम को इतनी देर तक सोने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो उठो, शाबाश, जैसे मैंने कहा था वैसे ही करो, ठीक है? ओके, उठ रही हूँ। उठो। आयान है घर में? आप कौन? मैं एमन बात कर रही हूँ। कौन एमन? मैं उनके ऑफिस में जॉब करती हूँ। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। चलो बेटा, नाश्ता लगा दिया मैंने। अच्छा अम्मी, आपको कुछ चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं ऑफिस से वापसी पे लेती आऊंगी। नहीं नहीं बेटा, तुम कहीं मत जाया करो, तुम सीधे घर आया करो। तुम्हें थोड़ी सी भी देर हो जाती है ना, मेरा दिल हौलने लगता है। क्यों डरती हैं आप इतना? अम्मी, कोई खा थोड़ी जाएगा मुझे, इंसान रहते हैं यहाँ। इंसान रहते हैं जब ही तो रहती हूँ। इंसान जानवरों से ज्यादा बेरहम और सफाक होती बेटा। जानवर तो मार के एक दफा छोड़ देता है ना, इंसान का बस नहीं चलता, वो मरे हुए पे भी जुल्म करने से बाज नहीं आता है। खैर, मैं ये सब चीजें देखने के लिए मैं हूं ना। हाँ ठीक कह रही हैं आप,
आजकल के हालात देख के तो यही लगता है कि यहाँ इंसान नहीं जानवर रहते हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जो धमाका या टारगेट किलिंग ना हो, तो सड़क पे पैदल चलते हुए भी डर लगता है। हाँ बेटा, बहुत संभल कर चलना पड़ता है। ये दुनिया और यहाँ के लोग इतबार के काबिल ही नहीं है। हर शख्स अपनी हैसियत के मुताबिक अगले को धोखा दे रहा होता है। जिंदगी के इस सफर में पता नहीं कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत, समझ में ही नहीं आता। रास्ता कोई भी चुने, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, क्योंकि न जाने क्यों लेकिन बड़े धोखे हैं इस राह में। सुबह सुबह हम किन बातों में लग गए, नाश्ता करो, देर हो रही है। मैं चाय निकाल रही हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा, मैं आ रही हूँ। अरे उरूज, आप इस वक्त यहाँ? वो ताईजान, मैं नाश्ता बना रही हूँ। आप क्यों नाश्ता बना रही हैं उरूज? है ना यास्मीन, वो बना देगी, पर काम तो होते ही रहते हैं। मैं बना देती हूँ आपके लिए नाश्ता। ताईजान, आप क्यों मेरे लिए नाश्ता बनाएंगी? क्या मैं काम नहीं कर सकती? मेरा भी तो घर है, क्या आप मुझे गैर समझती हैं? अरे मेरा ये मतलब नहीं था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा आपसे इस तरह काम करवाना। क्यों, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? अरे किसने कहा कि आप मेरी बेटी नहीं है? बल्कि मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि अयाज और सानिया ने लंदन में रहते हुए भी आपकी तरबियत इतने अच्छे अंदाज में की है। आपको यहाँ के तौर तरीके, तहजीब सब सिखाई। सच में मेरा आयान बहुत खुशकिस्मत है। मॉम तो हर चीज में आपकी मिसाल देती हैं। कहती हैं जो काम सीखना है वो ताईजान से सीखो, वो आपकी बहुत बड़ी फैन है। आज तुमने एक बेटी की कमी पूरी कर दी है। ईमान, मुझे बताओगी क्या हुआ है? तुम इतनी टेंस्ड क्यों? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें अपसेट नहीं देख सकता। अम्मी को हमारे बारे में पता चल गया है। एक्चुअली मुझे किसी ने आपकी गाड़ी से उतरते हुए देख लिया था। ये तो एक ना एक दिन होने ही था, हमको ये बात पता चलनी थी। इस मोहल्ले में अजीब से लोग हैं, बस दूसरों के घर के मामलों में घुसने का शौक है। अच्छा छोड़ो, ये बताओ मेरे बारे में सुन के तुम्हारी अम्मी का क्या रिएक्शन था? अम्मी आपसे मिलना चाहती हैं। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं इसलिए परेशान नहीं हूँ कि अम्मी को मेरे और आपके बारे में पता चल गया। परेशानी तो ये है कि अगर उन्होंने आपसे मिलने के बाद इनकार कर दिया तो। आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? तो इस कमरे में आपके अलावा और है ही कौन मैडम? और क्या मैं इतना बुरा हूँ कि आपकी अम्मी मुझसे मिलने के बाद इनकार करती? आई एम श्योर वो यही कहेंगे कि ये वही लड़का है जिसके हाथ में मैं अपनी बेटी का हाथ देना चाहती हूँ। आयान, मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ। एमी, आई कैन बेट ऑन दिस, तुमको हमारी शादी से कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो। तो फिर आज आप घर चल रहे हैं ना अम्मी से मिलने? नहीं, आज नहीं जा सकूंगा। वो एक्चुअली चाचू आए हुए ना, तो उनके काम में काफी बिजी हैं। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं जल्द से जल्द टाइम निकाल के तुम्हारी अम्मी से मिलूंगा। तुम परेशान मत हो। ओके, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आइए। सब खैरियत है ना? अल्लाह का शुक्र है जी। ये फल हैं और सब्जियां हैं, और अगर परचून की दुकान से कुछ चाहिए तो वो भी बता दीजिएगा मुझे। लेकिन मैंने कब आपसे ये कहा सब लाने के लिए? देखें, ये सामान तो हर घर में चाहिए होता है। और सीधी सीधी बात है, मुझे आपका हर दुकान पे जाना अच्छा नहीं लगता। लोग अजीब अजीब नजरों से देखते हैं, बेहूदा नजरों से देखते हैं, मेरा खून खौल जाता है। और आपकी बेटी के झगड़े के बाद तो लोगों ने और भी बातें करनी शुरू कर दी है। आप तो हम पे एहसान किए जा रहे हैं। आज के दौर में अपने सगे रिश्तेदार नहीं पूछते और आप सिर्फ मोहल्लेदार होकर हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। ये क्या बात कर दी आपने? अरे रिश्ता होता है आपका, हमारा एक रिश्ता है, मोहल्लेदारी का रिश्ता, अगर आप समझो तो।
बेशक। हेमन मतलब आपके और हेमन के अलावा इस घर में कोई और ही रहता है ना? मेरी एक और बेटी भी है, वो हॉस्टल में रहती है। बाकी हेमन तो आपको पता है जॉब करती है, 6 बजे ही आती है वो। चलिए जी आप ये सामान संभालें अपना, ये फिर इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी। या फिर कोई काम भी हो ना तो बता दीजिएगा मुझे, तकल्लुफ मत कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, खुश रहिए। ये लाइट कब आएगी? आई थिंक ये जनरेटर में कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, वरना लाइट अब तक आ जाती। इसी के बगैर तो मुझे सुकून ही नहीं मिलता, घबराहट होने लगती है। अरे यार आदत डालो, अब हर जगह तुम्हें एसी थोड़ी मिलेगा। कैसे आदत डालूं? घर में एसी, गाड़ी में एसी, हर जगह एसी है, बचपन से मुझे आदत है। हाँ मैं मामा से कह के कोई बंगलो रेंट पे ले लेती हूँ और कुक भी रख लूंगी। तो फिर जो तुमने पूरे साल का रेंट पे किया था उसका क्या? दफा करो, पापा और पैसे भेज देंगे। यार तुम्हारे बगैर हमारा गुजारा कैसे होगा, बोर हो जाएंगे हम तो। तो एक आइडिया है मेरे पास, बोर नहीं होगे तुम लोग, तुम लोग मेरे पास शिफ्ट हो जाना फिर। ओह वाओ, ग्रेट आइडिया। क्या बोरियत है। सुने कहाँ जा रही हैं? जी अयान साहब के लिए जूस लेके। अयान साहब आ गए? जी साहब तो कब के आ गए। लाए आप मुझे दे दें, मैं भी आती। जी ठीक। Come in. Juice. Oh, that is very sweet of you. आपने बेवजह तकल्लुफ की। आप ऐसा करें उसको वहीं रख दे, मैं ले लेता हूँ। Thank you. तकल्लुफ की क्या बात है, आप ही काम करना मुझे अच्छा लगता है। और वैसे भी अब तो आपके सारे काम मुझे ही करने। जी मैं बस फ्रेश हो क्या हूँ। ओके ओके। अब ये मोबाइल हम लोगों को डिस्टर्ब करेगा। पहले आयान ने मेरा फोन डिस्कनेक्ट किया और फिर फोन ही ऑफ कर दिया। ऐसा तो कभी नहीं करते वो, पता नहीं क्या वजह है। हेलो हेलो हेलो, कौन है भाई? हेलो, कोई बोलेगा भी या नहीं? वो आयान है घर में। आप कौन? मैं एमन बात कर रही हूँ। कौन एमन? मैं उनके ऑफिस में जॉब करती हूँ। आप उसके ऑफिस में जॉब करती हैं? तो आप इस वक्त घर पे फोन कर रही हैं? टाइम देखा है आपने? आपको खुद सोचना चाहिए, खुद एहसास होना चाहिए। ये कोई वक्त नहीं होता किसी के घर पे कॉल करने का। अगर आपको ऑफिस का कोई काम है तो आपको अयान के सेल नंबर पे कॉल करनी चाहिए, ना कि घर पे। आइंदा ख्याल रखिएगा और इस नंबर पर कॉल करने की जहमत मत कीजिएगा, खासतौर पर इस वक्त। अगर कोई बहुत ही इमरजेंसी है तो अयान के सेल पर कॉल करें। एक्चुअली एहसास ही नहीं है, वक्त देखा नहीं और घर पे कॉल करनी किसी वक्त भी। मैं तो जब से यहाँ आई ना बोर हो गई। तो आप शहर थोड़ा घूम फिर लें, हमारा शहर इतना भी बुरा नहीं है। गुड आइडिया, ऐसे करते हैं कि तुम मुझे अपने साथ ले जाओ। वैसे तुम्हारे पास टाइम ही कहाँ होता, तुम इतना बिजी जो रहते हो। जी ठीक कहा आपने, मैं वाकई बहुत बिजी होता हूँ। आप ऐसे क्यों नहीं करती, आप ड्राइवर के साथ चले जाया करें। What? मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊं? ड्राइवर के साथ जाके भला मैं क्या एंजॉय करूंगी? You're right.
ड्राइवर के साथ तो आप बोर हो जाएंगे हम शब्द, या फिर आप शाहजेब के साथ चले जाए करें, वो काफी जॉली है और हम श्योर आपको बोर भी नहीं होने देगा। रहने दें, मुझे किसी के साथ नहीं जाना। इनको क्या हो गया? मेरा फोन क्यों ऑफ है? क्या हुआ, बात हुई तुम्हारी उस लड़के से? पता नहीं क्यों आयान का नंबर ऑफ जा रहा है। उनका नंबर कभी ऑफ नहीं होता, अब समझ में नहीं आ रहा। तुमने उसे बताया था कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ? जी जी, मैंने बताया था, मगर एक्चुअली यकीनन उसने मना कर दिया होगा। यही बात है ना मम्मी, अब आयान से इतनी बदगुमान क्यों हो रही है? अभी तक आप मिले भी नहीं है उनसे, उन्होंने सिर्फ आ जाने से मना किया है। इमन बेटा, जो हकीकतें मैं समझ सकती हूँ वो तुम नहीं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे वो लड़का तुम्हें सिर्फ बेवकूफ बना रहा है। तुम नहीं समझ सकती हो, ये बड़े घरों के लड़के मोहब्बत नहीं करते, सिर्फ टाइम पास करते हैं। नहीं अम्मी, मैं आयान को जानती हूँ, वो ऐसे नहीं है। आजकल बिजी हैं, जैसे ही फ्री होंगे आपसे आके मिल लेंगे। ठीक है, वक्त आने पर तुम्हें खुद पता चल जाएगा वो सारी तलख हकीकतें जिनका सामना इंसान खुद से कभी नहीं करना चाहता। बेटा तुम जरा माहिन को फोन करके पता कर लो, उसने बताया ही नहीं रिपोर्ट्स क्या आई हैं। ठीक करती हूँ। बापूजी धीरे चलना प्यार में, सरा संभलना। ये सब आपकी दीवी ढील का नतीजा है कि आपके सबऑर्डिनेट्स किसी वक्त भी मुंह उठाकर घर पे कॉल कर लेते हैं। ये कोई तरीका नहीं होता। अच्छी तरह से क्लास लीजिएगा उस लड़की की, क्या नाम बताया था उसने, हाँ एमन। आपसे समझा दें प्लीज कि आइंदा चाहे कितनी भी इमरजेंसी क्यों ना हो मगर लैंडलाइन पर कॉल ना करें। जी मो। मामा ने कैसे बात की होगी मुझसे, उल्टी सीधी बात ना करती हूँ तो मेरे फोन को भी अभी ऑफ होना था। तो मोहन शर्जी ने इतना लाइवली एनवायरनमेंट था नीचे, तो मुझे यहाँ बाहर ले आए हो। लाइवली? इट वाज सो बोरिंग यार, बंदा प्राइवेसी की कोई बात ही नहीं कर सकता वहाँ। लेकिन मुझे तो पार्टी एंजॉय करनी थी ना, फोन पे तो हम वैसे भी बात करते रहते हैं। अच्छा पापा नाराज मत हो, तो पार्टी एंजॉय करनी है ना, नेक्स्ट वीक मेरी बर्थडे की ग्रैंड पार्टी आ रही है, हम दोनों मिलकर एंजॉय करेंगे। ग्रैंड पार्टी? वो भी तुम्हारी बर्थडे की? ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। आई डोंट केयर what they going to say, let the storm rage on, the cold will never bother me anywhere. It's funny how some distance makes every road seem small and the fears once mom. Kya kar rahi ho tum? गाना गा रही हूँ मामा, और क्या कर रही हूँ? इतनी जोर से गाना गाते हैं, बाहर तक आवाज आ रही है। इस घर में सब कुछ नहीं चलता, अंजुम भाभी अलग मिजाज के खातून है, समझे तुम? मॉम मैं पक चुकी हूँ ये सारी बातें सुनते हुए। ताई जान को ये पसंद है ये करो, ताई जान को वो पसंद है वो करो, ये मेरी भी कोई ख्वाहिशें हैं, मेरी भी कोई जिंदगी है, मैं उनकी वजह से सब कुछ कुर्बान नहीं कर सकती। ऐसा कब कहा है? मैं तो सिर्फ इतना तुम्हें समझाती हूँ कि जब तक तुम्हारी अयान से शादी नहीं हो जाती, जब तक के लिए तुम्हें सब कुछ बर्दाश्त करना है। मॉम अगर फिर भी ताईजान को एतराज हुआ तो? सब नहीं होगा ना, शक्ति हो जाएगी तो हस्बैंड तुम्हें सपोर्ट करेगा। और बेटा ये सब लड़की पे डिपेंड करता है कि वो अपने शौहर को कैसे हैंडल करे।
मुझे पता मेरी बेटी कर ली है ना। थोड़ी सी मेरी बात सुन लिया करो तुम। इसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जमा करवा देना। हेमन एवरीथिंग ओके? तुम नाराज हो क्या? नहीं, मैं क्यों नाराज हूं? मेरा और आपका रिश्ता ही क्या है? बल्कि मेरा तो आप पे कोई हक ही नहीं है ना?